नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उनमें भी हमने क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ के लेखक कौन है? तो सबसे पहला है एजे फ्लूअर, दूसरा आरी मर्फी, या फिर एलडी स्टाम्प, या पैट्रिक गेडिस। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो तो है एलडी स्टाम्प। अगर हम एलडी स्टाम्प महोदय की बात करें तो इनके और भी ग्रंथ हैं, जैसे कि द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज। नेक्स्ट है इनका अवर डेवलपिंग वर्ल्ड, और नेक्स्ट है लैंड फॉर टुमारो। यानी कि जो अदर्स ग्रंथ हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पर एजे फ्लूअर की बात करते हैं तो उनका कॉरिडोर्स ऑफ टाइम काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम आते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, जिसके कि एजे फिल्योर लेखक हैं। इनका ही है ये ग्रंथ। और यदि यहाँ पर बात की जाए पीटर हैगेट की, तो पीटर हैगेट का ग्रंथ है ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस। उसके अलावा लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी इनका अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्माजेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखा जाए तो सबसे पहला इसमें प्लेटो, इब्न बतूता, टॉलेमी, और जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रैबो। तो यहां पर अल्माजेस्ट पुस्तक है टॉलेमी की। और यदि बात की जाए तो ज्योग्राफिया स्ट्रैबो की है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। टॉलेमी के अन्य ग्रंथों की बात करें अगर हम, तो अनेलिमा और ज्योग्राफिया भी टॉलेमी की पुस्तक है। नेक्स्ट है इसमें, सीफोर्ड ने निम्न में से किस पुस्तक को लिखा है? यानी कि जो सीफोर्ड महोदय हैं उनकी पुस्तक कौन सी है इसमें, अ 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर इसकी बात की जाए तो ये फ्री मैन की पुस्तक है। नेक्स्ट है हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो यही पुस्तक इनकी है। ज्योग्राफी और पॉपुलेशन की बात करें तो ये त्रिवार्था महोदय की है। और नेक्स्ट है दी कल्चर ऑफ सिटीज की बात करें तो ये लेविस ममफोर्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट आते हैं हम दी कल्चर ऑफ सिटीज, तो ये लेविस ममफोर्ड हैं इसके। यहां पर यदि आप टी डब्ल्यू फ्रीमैन की बात करते हैं तो 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी जो बताया है वो इनका अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सी फोर्ड की बात करते हैं तो हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी आ जाते हैं यहां पर। उसके अलावा अग्रोपांत, अग्रोपांत जो ग्रंथ है उसमें सबसे पहली बात है कि अग्रोपांत इसे यदि इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो पूछा जाता है पाइनियर फ्रिंज। पाइनियर फ्रिंज भी पूछा जा सकता है और अग्रोपांत भी पूछा जा सकता है, तो हमें दोनों को ध्यान में रखना है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं ईसा बोमैन। ईसा बोमैन की बात की जाए तो ये अमेरिकन ज्योग्राफर्स हैं। और ग्रिफ टेलर, जो कि नवनिश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। कार्लो सावर की बात करें तो कार्लो सावर ने भूदृश्य की बात की है। नेक्स्ट हम आते हैं जो क्वेश्चन है, अर्णकुंडे पुस्तक किसकी है? तो यहां पर जो अर्णकुंडे पुस्तक है वो है कार्ल रिटर महोदय की। अगर रिटर महोदय की बात की जाए तो ये जर्मन स्कूल में आते हैं, और हम बोल्ट भी इसी में आते हैं, रेड जेल भी।
और रिस्तोफेन भी एक इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता हैं, जो कि क्षेत्रीय वर्णन की बात इन्होंने भी की है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है हमारा क्वेश्चन, हिकेटियस ने निम्न में से किस पुस्तक को लिखा है? तो हिकेटियस महोदय की कौन सी पुस्तक है? तो वो है पेरिओडस। और जैसे कि अल्मायस्ट की बात कर चुके हैं, जो कि टॉलेमी महोदय की है। नेक्स्ट आते हैं, मुकद्दिमा के लेखक कौन है? मुकद्दिमा पुस्तक है और उसके लेखक हैं इब्ने खालदून। इब्ने खालदून। नेक्स्ट है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हार्टशोन महोदय ने यह पुस्तक लिखी है। अगर यहाँ पर एच बैरोज की बात करें तो इनका मानव पारिस्थितिकी अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जो मॉर्फोलॉजी संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर अल्बर्ट पेंक महोदय ने सर्वप्रथम जो मॉर्फोलॉजी संकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए किस भूगोल के संप्रदाय का मत है? यानी कि कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो ये मानता है कि मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए भूगोल को? तो ये है क्रांति परक। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो भूगोल पृथ्वी के तल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यानी कि जो क्षेत्र वर्णनी विज्ञान की हमने अभी बात की थी, जो कि रिस्तोफेन का है। और उसके अलावा वर्कले स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के सर्व प्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं, वर्क ले स्कूल। तो ये हैं कालो सावर महोदय, जिन्होंने कि भूदृश्य की, ज्योग्राफिकल भूदृश्य की भी बात की है इन्होंने। और इनमें से कौन रूसी भूगोलवेत्ता नहीं है? यहाँ पर रूसी भूगोलवेत्ता हैं तीन और एक नहीं है, उनकी बात की गई है। तो ये रूसी भूगोलवेत्ता नहीं है जेलेंसी की। तो इस प्रकार से रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।